चतुरादिकं सतमस्य गुणं द्रास सिष्ठस्था सहस्राणं आयुत्य दृश्यस्यं विश्वकम्भस्य आसन्नो वृत्त परिणाम। इस श्लोक का मतलब है, सौ में चार को जोड़ो, फिर आठ से मल्टीप्लाई करो, फिर 62,000 को इसमें जोड़ो, इससे जो आपको परिणाम मिलेगा वो 2000 व्यास वाले वृत्त का परिघ मिलेगा। ये बात कही गई थी ईस्वीसन पूर्व 700 में हमारे प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। और आज का दिन है 14 मार्च, यानी 3/14, और पाई का मूल्य भी होता है 3.14, और इसीलिए आज के दिन को पाई डे से सेलिब्रेट किया जाता है। पाई की खोज तो प्राचीन शिक्षा में ही हुई थी, लेकिन उसको अपनी पहचान पश्चिमी एजुकेशन से मिली। जब 1706 में विलियम जोन्स ने पाई का जिक्र किया, तब पाई को अपनी पहचान मिली। जब न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया, तब पाई को अपनी पहचान मिली। आइंस्टाइन ने जब अपनी फॉर्मूला में पाई का यूज किया, तब पाई को पहचान मिली। हमने पश्चिमी एजुकेशन के न्यूटन के सिद्धांत को पढ़ा, पाइथागोरस की थियोरी को पढ़ा, लेकिन प्राचीन एजुकेशन के इस आर्यभट्ट के श्लोक को कभी नहीं पढ़ा। हमारा आज का पश्चिमी एजुकेशन प्राचीन एजुकेशन की नींव पर ही खड़ा है, लेकिन कभी भी हमने हमारे वेदों पर विचार नहीं किया। प्राचीन शिक्षा ही सही शिक्षा का मूल है, जिसे हम भूल गए हैं। सोचिएगा जरूर, कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में।